आज हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 250 ग्राम कटा हुआ प्याज, 50 ग्राम लहसुन की फलियाँ छिली हुई, 30 ग्राम कटा हुआ अदरक, 4 हरी मिर्च तोड़ के, थोड़ा सा पानी, ये काफ़ी होगा, और बनाते हैं इसका एक फाइन पेस्ट। हमारा पेस्ट बनके तैयार है और ये देखिए, चलिए आगे की तैयारी चालू करते हैं। हम ले रहे हैं एक लगन और डालते हैं तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, डालते हैं तेज़पत्ता, 3 तेज़पत्ता है तोड़ के डालिए, हरी इलायची हाथ से खोल के डालने हैं, और मैं ले रहा हूँ ये 6 इलायची, 6 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 जावित्री, उसे खोल के डाल दीजिए। जैसे मसाला आपका क्रैकल हो, हमें पेस्ट मिला देना है। अच्छे से चला लीजिए और थोड़ा सा पानी लेके और मिक्सी के जार में डाल के उसको भी आपस में अच्छे से मिला के डाल दीजिए लगन में। वहाँ के जो महाराज हैं कैटरर्स, वो लोग इस ग्रेवी को उबाल के भी बनाते हैं। प्याज को उबाल दिया जाता है और ये भी एक तरीका आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से बनाएं, बहुत स्वादिष्ट बन के निकलेगा। इसे पकने देते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आप बना रहे हैं पनीर की ग्रेवी, सो प्याज हम कच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। आइए अब बना लेते हैं दूसरा पेस्ट। 50 ग्राम काजू, 30 ग्राम मगज, मगज को धो के डालिएगा। पनीर बटर मसाला के लिए खसखस बहुत इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है, ये डलेगा ही डलेगा। डेसिकेटेड कोकोनट, और ये 1.5 चम्मच है, ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो डालें अदरवाइज रहने दें। यूपी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है और झारखंड बिहार में थोड़ा कम। थोड़ा पानी डालेंगे और 25 ग्राम ब्राउन ओनियन। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। आइए अब प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज अच्छे से भून रहा है, या होटलों या रेस्टोरेंट में कह लें, इन सब में तैयारी बहुत मायने रखती है। छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हमें करना पड़ता है। अब ये सुनहरा धीरे धीरे लाल होगा, इसे हमें ऐसे ही भूनना है, और इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गर्म मसाला। मिलाते हैं पानी। जिनके पास गर्म मसाला है वो गर्म मसाला डालें, और आपके पास अगर नहीं है उस समय तो मसाले को कूट के बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप किचन किंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में मिलता है, जैसे मीट मसाला, चिकन मसाला मिलते हैं, उस तरह से भेज के लिए भी सब्जी मसाला और किचन किंग मिलता है, आप उसे भी डाल सकते हैं। और घोल इसलिए बनाते हैं कि ये डायरेक्ट अगर आप डाल रहे हो तेल में जब भूनता है प्याज या अदरक लहसुन, तो ये डायरेक्ट जाके तेल में ना जले। घोल बन गया है और प्याज को देख लेते हैं और अच्छे से भूनते हैं प्याज को। छोड़ना नहीं है, नीचे की ओर चिपकेगा, अब ये इसे अच्छे से भूनना है। और ये देखिए प्याज को कितना अच्छा दिख रहा है ये, और अच्छे तरीके से सुनहरा लाल होगा। नीचे की ओर अदरक है इसमें तो वो चिपक रहा है, तो थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं, वो चिपकना बंद हो जाएगा। उसे खरोच के मिला सकते हैं। हमारी सारी प्याज और सारे मसाले एक साथ लाल हो गए हैं, और इस स्टेज पे मैं मिला देता हूँ सबसे पहले घोल, और हमें अच्छे से भून लेना है। हमारा मसाला पक रहा है और तेल भी स्प्लिट होने लग गया है। यहाँ पे हम मिलाएंगे 150 ml टमाटो प्यूरी और अच्छे से चला लेंगे। पनीर बटर मसाला की ग्रेवी जो पंजाब रीजन में बनती है, इंग्रेडिएंट से उनके डिफरेंट फॉर्म से बनाई जाती है और थोड़ा अलग होता है, तो हर रीजन की एक अपनी अपनी खूबी होती है। पंजाब में इसे अलग तरीके से बनाते हैं, बिहार, झारखंड, यूपी में अलग तरीके से बनाते हैं। टमाटो प्यूरी भी भुन गया अच्छे से। अब इस स्टेज पे हम मिला देंगे पेस्ट जो हमने बनाया था, और बचे हुए पेस्ट को भी पानी डाल के मिला देते हैं लगन में। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है, ये देखिए पेंदा भी ये छोड़ने लगा है, जैसे हलवा छूट के बाहर आता है।
अब तेल भी छोड़ रहा है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे हाफ कप दही, फेटी हुई दही लिए, और हमें एक ही डायरेक्शन में इसे चलाना है ताकि दही अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिल जाए और कड़ल ना हो। जब ग्रेवी बनाते हैं एक एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। दही पक गया है और मिला देते हैं गर्म पानी, ये पूरे 3 कप पानी है। अब डालते हैं ग्रेवी में दूध, दूध भी डाली जाती है ग्रेवी में, दूध से कलर निखरता है और स्वाद भी बेहतरीन लगता है। अब इसे हम पकाएंगे कम से कम 15 मिनट तक स्लो आंच में। ढक्कन हटाते हैं और ग्रेवी को चला लेते हैं। अब हम मिला देते हैं कटा हुआ पनीर, पनीर का साइज़ आप अपने अनुसार काट सकते हैं, छोटा बड़ा, और ये पूरे आधा किलो पनीर है। अब इसे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। यही स्टेज है, यहाँ पे हमें अंदाज लगेगा नमक का, हमने नमक पहले भी डाला है थोड़ा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मिलाते हैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हमें चीनी डालना बहुत ज़रूरी है स्वाद को बढ़ाने के लिए। चीनी नहीं है, आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप मावा डाल सकते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं कि ग्रेवी का जो स्वाद है वो तीखा है, खट्टा है, तो थोड़ा मिठास भी ज़रूरी है, और जब ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो खाना सबसे टेस्टी खाना माना जाता है। हम मिलाएंगे बटर, और इसी बटर से इसका नाम पनीर बटर मसाला है, और साथ में मिलाएंगे क्रीम। तो 100 ग्राम बटर और 100 ग्राम क्रीम डालना है। क्रीम से ग्रेवी स्मूथ होगी और रिचनेस आएगा, स्वाद भी अच्छा लगेगा आपको। बटर तो है ही साथ में, अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, कलर और ग्रेवी की नज़ाकत सब देखिए और ज़रूर बनाइए, और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और ऊपर से डालते हैं कसूरी मेथी पाउडर। ये काफ़ी होगा, और अच्छे से चलाइए। आइए सर्व करते हैं गर्मा गर्म पनीर बटर मसाला। आपको पनीर बटर मसाला को हम सर्व कर रहे हैं हांडी में। और हम गार्निश करेंगे क्रीम के साथ। यह डिश जितना पंजाब में पॉपुलर है उतना ही बिहार, झारखंड और यूपी में भी। इसके लिए प्रोटिप यह है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा खुशबू ऐड करते हैं, गुलाब जल या केवड़ा, तो डिश आपका और मज़ेदार बन जाएगा। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वायरी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सेफ अश्विनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।